हे व्हाट्स अप एवरीवन, माय नेम इज पार्थ गिरोत्रा एंड यू आर वाचिंग ताज़ा खबर। सबसे पहले बात कर लेते हैं एलविश यादव की। एलविश यादव ने बताया कि किसी भी गाने की अगर एक भी लाइन अपनी वीडियो में बोल दो ना तो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। पिछली बार मैंने वो गाना गाया था ना मुसाफिर, गाऊंगा ही नहीं, कॉपीराइट लग गया, मेरे को हटाना पड़ गया। जो भी भाई तुम में से देखते हो, मुझे एक बात बताओ, मतलब कि तुम में ये भी वो नहीं होती कि एक इंसान तुम्हारे गाने गा रहा है तो वो भी तुम्हारा ही राइट है? मतलब एक मूवी के अगर मैं गाने गा रहा हूँ, वो मूवी का गाना ही नहीं गाई है भाई, अपने मुंह से गा भी नहीं सकते तुम तो। इनका गाना प्रमोट हो रहा है, हाँ गाना भी प्रमोट हो रहा है, देखो हटाना पड़ेगा मेरे को, ट्रिम कर दूंगा मैं तो कॉपीराइट मारोगे तो। अब मैं दोबारा गाऊंगा भी नहीं, तो हमारी तरफ से जो थोड़ा बहुत फायदा हो रहा था वो भी हटवा दिया मैंने। एलविश यादव की कोई तो सर्जरी होनी है, उसने अपने व्लॉग में उसके बारे में ये कहा। भाई साहब देखो, आप करते थोड़े मुद्दे की बात, फॉर सम हेल्थ इश्यूज अभी मेरे को YouTube छोड़ना पड़ेगा, मे बी फॉर 2-3 डेज। क्या पैसा? अरे नहीं नहीं यार, काश आ जाए, बट तब भी नहीं छोड़ेंगे YouTube तो। बट हेल्थ reasons, हेल्थ इज इम्पोर्टेंट, हेल्थ इज वेल्थ। या भाई तो ज्यादा दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए मुझे, देखते हैं वो तो गॉड नोज। तो विश मी ऑल द बेस्ट एंड विश की सारी चीजें अच्छी जाए। क्या बिजली कड़क रही है क्या? अरे वो रोड आ रहा है, रोड भी रो रही है कि 2 दिन। हाँ यार, लाइटर हो रही है गाइस, देखो ये देखो लाइटर हो रही है, लाइट है मेरे लिए। सुबह 8 बजे पहुंच जाना भाई। ओ भाई चलो आ जाएंगे, अपने भाई की देखना तो सही होते हुए। अपन तो बाहर बैठ जाओ। आपने हर्ष बेनीवाल की भाईचारा ऑन टॉप वीडियो तो देखी ही होगी। उस वीडियो में पूरा झा की डबिंग एलविश यादव ने किया, ऐसा एलविश यादव ने मीडिया से कहा। हर्ष बेनीवाल का एक वीडियो आपके ऊपर बनाया, देखा आपने, कैसा लगा? बढ़िया लगा भाई, मैंने तो बोला था उसको बनाओ ये। वो वॉइस आपकी है सर, जो आवाज़ है उसमें? मेरी है, वो डबिंग जो पूरम ने कर रखी है एक्चुअली मेरी आवाज़ है। अच्छा, वो सब बहुत लोगों को नहीं पता होगा बट वो मैं ही हूँ यार। समय रैना कुछ भी करने से पहले कुछ नहीं सोचता, कुछ भी बोल देता है भाई वीडियो में। रफ्तार भाई व्हाट्स अप, मेरे साथ है नीरज गोयल भाई, इंडिया नंबर वन बॉक्सर। रफ्तार भाई अब हम कुछ प्लान कर रहे हैं, करोगे आप बॉक्सिंग करोगे? कौन है मेरा ओपोनेंट? अभी मैं कॉल करके देखता हूँ भाई। हनी सिंह का नंबर होगा आपके पास? कमेंट करके बताना आपको कौन पसंद है, हनी सिंह या रफ्तार। मुनावर फारूकी अपने बहुत पुराने दोस्त से मिलने गया था, उसके दोस्त का रिएक्शन आप खुद ही देख लो। हेलमेट पर उठाना, हेलमेट उठाएगा बवाल हो जाएगा, समझे ना भाई? तो जरा भी तो पहले गले मिल जाए, हेलमेट पर उठा। द ग्रेट इंडियन कपिल शो में आमिर खान ने अपने बेटे के बारे में क्या बोला है वह लुक। जुनैद आपका बेटा, बड़ा बेटा, अभी फिल्मों में आ रहा है। कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बड़ा, हर कोई चाहता है कि यार अगर आमिर मेरी फिल्म प्रोड्यूस कर दे या उसमें कुछ अपनी सलाह मशवरा दे दे, है ना, वो आपकी सलाह लेते हैं। इतना अच्छा सवाल पूछा आपने, बहुत अपने अच्छा सवाल पूछा, मेरे अभी दिल की बात बाहर निकलने वाली, मेरी बच्चे मेरी सुनते नहीं है यार। मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था दिलजीत ने अपने एक शो से हिस्ट्री क्रिएट कर दी, 54,000 लोगों ने इस शो को अटेंड किया, स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। चांद सितारा तो बचपन में सबने ही खाया होगा, पूरब जाके इसी पे एक वीडियो वायरल हो रही है। बचपन की यादें ताजा होगी भाई, ड्रग्स है भाई, बचपन की ड्रग्स। पूरब भाव ने अप्रूव कर दिया है भाई, ये देखो कितना सब। चलो अब थोड़ी स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज की बात कर लेते हैं। कल दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच था, इस मैच को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 7 विकेटों से जीत लिया। वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवरों में 3 विकेट्स लिए और 16 रन दिए और बन गए प्लेयर ऑफ द मैच। महेंद्र सिंह धोनी ने एक इंटरव्यू में अपने IPL शेड्यूल और प्रेपरेशन के बारे में बताया। IPL स्टार्ट होने के 5-7 दिन पहले से ही आई वुड स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट, और मैं अपने माइंड को उस तरीके से ट्रेन करना स्टार्ट कर देता था। हमारे लिए एक प्लस पॉइंट ये था कि हम ज़्यादातर कोशिश करते थे कि 12 बजे के बाद का फ्लाइट लें। मैं क्या करता था, आई वुड स्लीप वेरी लेट, क्योंकि अगर मैचेस चल रहे हैं तो 8 से 11, 11:30 का आपका शेड्यूल था, उसके बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन होता है, फिर आप किट बैग पैक करेंगे, लेट डिनर होगा, जब तक आप वापस होटल में पहुंचते हैं तो ऑलमोस्ट 1:15 बज ही जाता है। उसके बाद आपको होटल के पूरे सामान पैक करने हैं,
किट बैग आप बाहर रखोगे एंड यू नो बाय द टाइम यू डू ऑल ऑफ दैट थोड़ा लेट हो जाता है, लेट से 2:30 बज जाते हैं. सो आई सेड इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग फ्रॉम 10 PM टिल 6 PM और 11 से 7 PM आई वुड स्लीप फ्रॉम 3 AM टिल 11 AM जो मिनिमम मेरा 8 घंटे का जो नींद मुझे चाहिए होता है. आई सेड कि ये 8 घंटे तो मुझे सोने ही है. यू नो आई वॉज ऑलवेज वेल रेस्टेड एंड आई नेवर फेल्ट फटीग्ड यू नो आफ्टर द IPL गॉट ओवर. चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होने वाली है पाकिस्तान में. सुनने में आ रहा है कि इंडियन क्रिकेट टीम इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में खेलने नहीं जाएगी. BCCI कोई हाइब्रिड मॉडल लाएगा जिससे इंडिया के मैच किसी अलग वेन्यू पे हो पाए. गैरी क्रिस्टन जो कि इंडिया के कोच थे जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था, अब वो पाकिस्तान को लीड करेंगे फॉर T20 वर्ल्ड कप. चलो अब थोड़ी बॉलीवुड से रिलेटेड बात कर लेते हैं. प्राजक्ता कोहली ने अपनी लेटेस्ट वीडियो में श्रीकांत मूवी की अलग ही स्टाइल में प्रमोशन की. सो हमारे बहुत बहुत डियर फ्रेंड की फिल्म रिलीज हो रही है 10 May को. इट्स कॉल्ड श्रीकांत. यू वेट वन सेकंड. कैन यू प्लीज वेट योर वर्किंग. और थिएटरिकल रिलीज है. प्लीज मेक श्योर आप लोग सब श्रीकांत. हां पूरे फ्रेंड्स और फैमिली. एक सेकंड सर प्रमोट कर रहे कुछ. हां तो प्लीज अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ जाना. देखने के हिस्ट्री बाय बिकमिंग मिस यूनिवर्स. ये फर्स्ट लेडी है जो 60 साल की उम्र में मिस यूनिवर्स का टाइटल जीती है. यारियां 2 मूवी अब आप जियो सिनेमा ऐप पर देख सकते हो. चलो अब थोड़े टेक अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं. नथिंग फोन 2A का स्पेशल एडिशन जो कि ब्लू कलर का लॉन्च हो गया. 22,000 इसका बेस प्राइस है और आप इसे फ्लिपकार्ट से बाय कर पाओगे थोड़े दिनों बाद. महिंद्रा XUV 3XO लॉन्च हो गई है. इसका बेस प्राइस है 7.5 lakhs. 15 May से इसकी बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी. VR वीडियो के एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए डिज्नीज न्यू होलोटाइल ट्रेडमिल और यूकेन से मूविंग फ्लोर इज इनसेन. Now let's talk about some finance related news. कल BSE का शेयर 15% से ज्यादा गिर गया और इसका रीजन एक्सप्लेन करते हुए अभिषेक कर ने अपनी वीडियो में ये बताया. BSE का शेयर आज 17% से ज्यादा टूट गया. आप जानना चाहोगे क्यों हुआ है. वेल बेसिकली जो SEBI है रेगुलेटर है, इन्होंने इनको एक रेगुलेटरी फी देने बोला है. इन्होंने कहा है कि आपने जो आज तक कैलकुलेशन किया उसमें इस चीज की कमी है, जिसके चक्कर में इनसे 165 करोड़ मांगे गए हैं 2 particular ईयर्स के कारण. इस चक्कर में क्या हुआ है, कुछ ब्रोकिंग हाउसेस ने इसको डाउनग्रेड कर दिया. लेकिन क्या एक न्यू कमर को एग्रेसिव होकर एंटर करना चाहिए? मैं कहूंगा वेट एंड वॉच कीजिए. बिकॉज जब भी मार्केट में टेक्निकल इस तरह का ब्रेकडाउन आता है तो मार्केट को पहले हमें सेटल डाउन होने का मौका देना चाहिए. उत्तराखंड ने पतंजलि के 14 प्रोडक्ट्स का लाइसेंस कैंसिल कर दिया. अब पतंजलि उन 14 प्रोडक्ट्स को उत्तराखंड में नहीं बेच पाएगी. AI कैन डिस्ट्रॉय ऑल कॉल सेंटर्स इन 1 ईयर सेज TCS CEO. इस बंदे ने सीक्रेट टिप्स बताई कैसे आप अमेजोन पे अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो और ज्यादा सेल्स जनरेट कर सकते हो. आपने एक बार बोली बीच में कि यार मैंने ना अमेजोन क्रैक कर लिया. क्या था वो क्रैक? क्या था यार वो क्रैक? ये था कि अमेजोन पे राइट प्राइसिंग बहुत जरूरी है, राइट कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, राइट फोटोग्राफी बहुत जरूरी है. हम ह्यूमंस हैं, हम पढ़ते नहीं, हम देखते हैं. तो हम पिक्टोरियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है. तो मैंने ये क्रैक कर लिया कि अमेजोन पे पिक्चर दिखा के लोगों को समझा दो आपका प्रोडक्ट क्या करे. लोग क्या गलती करते हैं, इतना लंबा 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 टेक्स्ट लिख देते हैं सोच के लोग पढ़ेंगे. भैया कोई नहीं पढ़ता. पीपल वॉन्ट टू सी, People remember what they see. So show them the solution in the first 5 seconds. अगर आपने 5 सेकंड में कंज्यूमर को समझा दिया कि आप क्या बना रहे हो या आपका प्रोडक्ट क्या करता है, आप सोल्ड. So guys, आज की वीडियो में इतना ही. To stay updated, subscribe to ताजा खबर. मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही. Till then, have fun. Bye.